नमस्कार, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आ रहा हूँ। मैं अपने आप में एज अ शेफ बहुत इनोवेटिव काम करता हूँ और कई बार मैंने देखा कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं जो भी इनोवेट करता हूँ ना, वो जहाँ जहाँ से मैं देखता हूँ, बातें सुनता हूँ लोगों की, वो सारी चीज़ों को अपने स्टूडियो में ला के अपने अंदाज में बनाता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ें नहीं मिलती, ये चीज़ें मिलती है मार्केट में, लोग खाते हैं, ओकेजन्स पे खाते हैं, वैसे ही घर पे बना के खाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा देश इतना मज़ेदार है, पूछिए मत। बहुत विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनती है, जैसे ये डिश चना हक्का नूडल्स बना रहा हूँ, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? ये मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि शेफ, हमारी फैमिली में चने की सब्जी जब बनती है ना, उसमें नूडल्स डाल के बना के खाते हैं। अब बताइए, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आपको मिले और मैं अगर आपको ना बताऊं, मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आज स्पाइसी चना हाका नूडल्स आपके लिए। सबसे पहले तेल, 2 से 3 टेबलस्पून ले लिए, क्योंकि मसाला काफ़ी बनेगा, तो उसके लिए करारा मसाला बना रहा हूं मैं। अदरक 1 टेबलस्पून, चॉप्ड अदरक, ठीक है जी, 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, लहसुन, 3 हरी मिर्चें चॉप करके डाल दें, कम खाते हैं थोड़ी सी कम डालें, लेकिन ये बहुत करारा नूडल्स बना रहा हूं मैं, मज़ेदार। और उसमें काले चने पड़ते हैं, बताइए, काबुली चने नहीं, काले चने, है ना इंटरेस्टिंग। और कई सारी फैमिलीज बना के खाती हैं ऐसे, है ना इंटरेस्टिंग। बस मैं एज अ शेफ यही चीज़ें आपको बताता हूँ कि मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ें कैसे आप घर पे बना सकते हैं। अब इसमें प्याज, 1 कटा हुआ प्याज, जैसे आप नूडल्स के लिए बनाते हैं, छोटी सी गाजर वो ले ली हमने और इसे भूनेंगे। और ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ पता चलती है पता, जब मैं ट्रैवल करता हूँ, स्ट्रीट्स पे ट्रैवल करता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, लोग अपनी बातें खाने की मतलब एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं मेरे साथ, तो मुझे लगता है कि वाह क्या बात है, हमारे देश में वैरायटी की कोई सीमा नहीं है। लोगों को अक्सर पता नहीं होता, लेकिन वैरायटी की कोई सीमा नहीं है। और यही सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, और इसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा भी बोलना पड़ता है कभी कभी। ये लीजिए, जब प्याज हल्के से भून जाए, गाजर भी सॉफ्ट हो जाए, तो मैं इसमें ये सबसे पहले चने डाल लेता हूँ और इसके साथ साथ कैबेज। अब ये देखिए, चने, कैबेज, कैप्सिकम, वाह, डाल के मिक्स कर लेते हैं। अब आप सोचिए खाली कि क्या डिश मज़ेदार है। चने अगर आप बच जाएं घर पे, मैं बताता हूँ कि कई बार काबुली चने बच जाते हैं या काले चने बनाते हैं बच जाएं, यूज़ करिए। मैं लोगों को कहता हूँ कि नूडल भी बॉयल करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। और क्योंकि जो हम कहते हैं ना इंडो चाइनीज, देसी चाइनीज से इंस्पायर होकर चीज़ें बना रहे हैं, तो अब कुछ मसाले इसमें, सबसे पहले नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, क्योंकि सॉसेस जलेंगी चाइनीज़, तो थोड़ा सा नमक शुरुआत में कम रखें, क्योंकि सारे सॉसेस सॉल्टी होते हैं, जैसे कि ये सोया सॉस अपने आप में काफ़ी सॉल्टी है। 1.5 टेबलस्पून डाल रहा हूँ इसमें, रेड चिली पेस्ट ये डाल रहा हूँ मैं इसमें, लगभग 3 बड़े चम्मच, एक्चुअली लगभग 4 बड़े चम्मच, कम स्पाइसी खाते हैं तो कम खाएं, क्योंकि ये रेड चिली पेस्ट जो है इसमें थोड़ा सा स्पाइस लेवल कम है, तो अगर आप बहुत तीखी वाली मिर्ची यूज़ करके रेड चिली पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो कम डालें। रेड चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा मिठास होती है उसमें, क्योंकि उसमें टमाटो केचप डाला है, वो भी यूज़ कर सकते हैं अपने अंदाज से। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ये डाल लेते हैं, 1/2 टीस्पून, और विनेगर
एक बड़ा चम्मच विनेगर का डाल लेते हैं। मैं मिक्स कर लेता हूँ सारी चीज़ें। और लोग ऐसे बना के खाते हैं घर पे, सोचिए। मैं अपने हिसाब से सिर्फ थोड़ी चीज़ें इनोवेट कर रहा हूँ बस, लेकिन हिंदुस्तान में लोग बना के खाते हैं ऐसे। और इसमें अब ये नूडल्स डाल लेते हैं। नूडल्स डालते वक्त थोड़ा सा मैं नूडल्स काट लेता हूँ ताकि मिक्स करने में प्रॉब्लम ना हो। ये लीजिए, और नूडल्स को मिक्स करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है मेरे पास। थोड़ी देर पकाएंगे इसे ताकि नूडल्स गर्म हो जाएं। काले चने के साथ नूडल्स। चलिए अब नूडल्स बढ़िया गर्म हो गए हैं, ये लीजिए। वाह, थोड़े से जूसी शाइन देखिए, बढ़िया मज़ेदार। अब इसमें स्प्रिंग अनियन थोड़े से यहाँ डाल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। और ये मेरा बोल परोसने के लिए। लीजिए काले चने हक्का नूडल्स, बिल्कुल देसी स्टाइल में। और ये स्टाइल इस वक्त तो मेरा अपना है, लेकिन मैंने कईयों को बनाते हुए देखा, होम शेफ्स को बनाते हुए देखा, इसलिए मैंने सोचा कि अगर इतनी इंटरेस्टिंग रेसिपी है आप तक पहुंचनी चाहिए। इनोवेशन कहाँ मिलेगा, सिर्फ शेफ हरपाल के पास। ऐसी रेसिपीज खास तौर से जो बिल्कुल अलग हटके आप कभी सोच ना पाए, ऐसी रेसिपीज और मजेदार रेसिपीज के लिए आते रहिएगा, क्योंकि यहाँ मजा फुल ऑन 100% मिलता है।